Hello, my dear students. Today we will learn, or you can say it, we are starting the IP, Informatics Practices for Class 11th, and our very first topic will be Introduction to Computer System. A very simple topic which almost you all have started from class 2nd to 3rd, but here little more elaboration to those same topics will be there. Let's start. Our first question is Introduction of Computer. Hai kya ye? What is this? So simply, a computer is an electronic device. अब हम फैन भी है हमारे पास, वॉशिंग मशीन भी है, टीवी भी है, ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. देन व्हाट स्पेशल हेयर इन दिस कंप्यूटर? व्हाट इज स्पेशल? तो अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड आफ्टर दैट प्रोसेस दैट इनपुट एंड फाइनली गिव्स अस द आउटपुट. ओके, तीन काम हुए. नंबर वन, इनपुट लिया यूज़र से. नंबर टू, उस इनपुट पर काम किया. एंड नंबर थ्री, वापस लास्ट में हमें आउटपुट मिला. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीन काम मेन काम किए. तो दैट इज कंप्यूटर. जो ये तीनों काम करेगा दैट इज अ कंप्यूटर. ओके, अ कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली फाइव मेजर फंक्शंस, मेन मेन काम. नंबर वन, इट एक्सेप्ट्स डेटा. इनपुट लेना मीन्स इनपुट लेता है. डेटा मीन्स एनीथिंग इट टेक्स फ्रॉम द यूजर. दैट कैन बी एनी फोटो, एनी टेक्स्ट, एनी वीडियो, एनी ऑडियो, वट एवर यू गिव टू कंप्यूटर दैट इज इनपुट. देन इट स्टोर्स दैट इनपुट, उसको अपने पास संभाल के रखता है. देन इट प्रोसेसिस डेटा एज रिक्वायर्ड बाई यूजर. जो काम यूजर ने दिया है इट डज दैट. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड फाइनली इट गिव्स अस द आउटपुट. दिस इज द कंप्यूटर. नाउ एक नई टर्म आई, कंप्यूटिंग. है क्या कंप्यूटिंग? इट्स एन एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर टू मैनेज, प्रोसेस, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, और यू कैन से द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. इन कंप्यूटिंग बोथ टर्म्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग बोथ देम इंक्लूडेड. देन इट्स एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. कंप्यूटिंग इंक्लूड्स डिजाइनिंग, डिवेलपिंग, बिल्डिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑल द एक्शंस और वर्क रिलेटेड टू योर कंप्यूटर सिस्टम कोलेबरेटली कंप्राइजेस इन कंप्यूटिंग. ओके, ऑल द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर कलेक्टिवली द टर्म कंप्यूटिंग कंटेन्स ऑल ऑफ दैट. गॉट इट? नाउ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस. अब इतने अब जो फिलहाल हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हाउ वी रीच्ड हियर, कहाँ से शुरू हुआ? फर्स्ट थिंग इज जनरेशन. अब जैसे हम लोगों की जनरेशंस होती हैं, हम हमारे पापा, उनके पापा, उनके पापा, ऑल दोज आर देयर. देन सेम वे फॉर कंप्यूटर्स द जनरेशंस वर देयर. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर केम इन 1946 टिल 1959. हेयर द ट्यूब्स, और यू कैन से वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड. बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी. वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन सीपीयू इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. वो ट्यूब्स ही बड़ी होती थी, दैट्स वाई द साइज ऑफ द कंप्यूटर. देखो अब कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट एक रूम में एक कंप्यूटर आता है. फाइन, तो इतने बड़े हैं तो ऑब्वियसली महंगे होंगे. दे वर एक्सपेंसिव. साइज वॉज वेरी मच लार्ज, नॉट दैट मच रिलायबल. फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए. ऑल दैट जनरेट अ लॉट ऑफ हीट. बहुत बड़े होने की वजह से हीट भी बहुत ज़्यादा देते थे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, ऑल दीज वर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. आफ्टर दैट सेकेंड जनरेशन केम फ्रॉम 1959 टू 1965. हेयर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर्स वी स्टार्टेड यूजिंग. 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बदले एक ट्रांजिस्टर लगता था, तो ऑब्वियसली साइज तो बहुत छोटा होना था. 40 वैक्यूम ट्यूब निकल जाएंगी तब एक ट्रांजिस्टर लगता है.
गॉट इट? दैट्स वाई द फीचर्स अगर हम पढ़ें तो क्लियर है बिल्कुल कि द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स वर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन. ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम हो गई, डेफिनेटली द हीट जनरेटेड बाय देम वो भी कम हो गई, फाइन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस कम हो गया, ऑल द फीचर्स आर लिस्टेड हेयर. एग्जाम्पल इज आई बी एम 1620, आई बी एम 1794, ऑल दीज आर हेयर. आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन, इट केम इन 1965 टू 1971. हेयर इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स आई सीज यूज होने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ट्रांजिस्टर से भी छोटे, इट मीन्स द साइज ऑफ द कंप्यूटर वॉज स्मॉलर देन द प्रीवियस जनरेशन. ऑब्वियसली साइज वॉज स्मॉलर, रेट घट गए, द कॉस्ट वॉज लो, एनर्जी टेकन बाय देम दैट इज लेस, एंड एनर्जी रिलीज बाय देम दैट इज लेस. नाउ दे आर पोर्टेबल, देयर स्पीड हैज इंक्रीज्ड. ओके, ऑल तो फीचर्स मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप जनरेशंस को समझें. वी कैन इजिली इलेबोरेट द फीचर्स ऑफ ईच जनरेशन, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर दैट. नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इट वॉज फ्रॉम 1971 टू 1980. हेयर इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिस्टर्स और आई सीज, वी एल एस आई सर्किट्स वी स्टार्टेड यूजिंग, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके, द इट मीन्स साइज वॉज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, और छोटा हो गया, चीप हो गए, एनर्जी टेकन इज लेस, एनर्जी रिलीज इज लेस. ओके, एंड मैनी अदर डिटेल्स लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड हेयर, ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड्स वॉज डन, एंड कंप्यूटर्स बिकेम इजिली अवेलेबल. ओके, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स. देन केम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. इन फिफ्थ जनरेशन, जो आज की हमारी जनरेशन है, दैट इज इन द फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, एंड टूडेज वी कैन से सिक्स्थ जनरेशन इज ऑलमोस्ट एट द डोर. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1980. हेयर इंस्टेड ऑफ वी एल एस आई माइक्रोचिप्स, जिसको हम चिप बोलते हैं, दैट स्टार्टेड, चिप आने की वजह से और छोटे सिस्टम हो गए, रेट्स और लो हो गए, एनर्जी कंजप्शन वेरी लो, एनर्जी रिलीज वेरी लो, मोर पोर्टेबल दे आर, एंड ऑलमोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन एआई. अब एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मीन्स जैसी इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स में है, द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू गिव टू कंप्यूटर. तो दे आर नॉट ह्यूमन बींग, कंप्यूटर्स आर नॉट ह्यूमन बींग, तो उनकी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ही होगी. तो दैट्स वाई ए आई केम इन टू एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम वॉज गिवन. अब होता क्या है ए आई में? इट इंक्लूड्स रोबोटिक्स, न्यूट्रल नेटवर्क, गेम प्लेइंग, ओके, ऑल दोज वर्चुअल वीडियो गेम्स, जो भी आप करते हैं, ऑल दैट कम्स इन ए आई. देन एग्जाम्पल इज लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, जो भी आप फिर नाउ अडेज इन लेटेस्ट जनरेशन यू आर यूजिंग, दैट इज फिफ्थ जनरेशन. ओके, नाउ कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बट वी हैव डिवाइडेड दैम इन फ्यू कैटेगरीज. इनपुट डिवाइसेस थ्रू विच वी गिव इनपुट टू कंप्यूटर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस थ्रू विच द प्रोसेसिंग इज डन, आउटपुट डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द आउटपुट, एंड मेमोरी डिवाइसेस विच सेव्स द डाटा इन द कंप्यूटर. दीज फोर कैटेगरीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. Now let's talk about them one by one. First we'll take input devices. These are used to enter data and instruction into the computer, means those devices through which we give data to the computer system, they are called input devices. For example, सबसे basic device जो हम सब देखते हैं, सबसे पहले हम कोई भी type करते हैं, that we do through the कीबोर्ड. इट्स वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस. ओके, देर आर मैनी कीज इन इट, ऑलमोस्ट 106, 108, 115, नो डेफिनेट काउंटिंग ऑफ कीज आर देयर, बट इट हैज़ मैनी पार्ट्स, लाइक अल्फ़ाबैट कीज आर देयर, 26 अल्फ़ाबैट कीज आर देयर, देन नंबर कीज आर देयर, डायरेक्शन कीज आर देयर, फंक्शन कीज, अदर कीज. लेट्स हैव लुक हेयर. चलिए,
Have a look here. This is a keyboard. In this part, the alphabet keys are there. Okay, these are alphabet keys. After that, number keys. In a keyboard, they at two locations the number keys are there. First one is at the upper line in the alphabet key, this line. This is 0 to 9 numbers are there, and second place is here. This part is called numeric keypad. Okay, at two places number keys are there, then here the arrow keys. They are also called direction keys. After that, control keys. Tab, caps lock, shift, alt, all these keys are called control keys because they are used for controlling the input. Then other keys, up, down, page up, print screen, all other, they are called other keys. Fine. Here F1 to F12, total 12 keys are there. They are called function keys. Each function key have a specific function, alag alag kaam hai sabke, as per the different applications. Got it? Next is mouse. Keyboard humne pad liya, ek general si input device. Now second most common input device is mouse. This is a mouse. It's a pointing device. Point means ab mera pointer dekh sakte hain ye. I am pointing toward the photo. Pointing, ishara karna. Okay? So a mouse is a pointing device that function by detecting two dimensional motion. It can move up down, dekhe mera arrow dekhe, and right left. In two direction it can move. It is used for clicking. Okay, and it allows for fine control of graphic user control. Means I can control my screen through the movement of my mouse. Got it? This is the photo of mouse. Right click button, left click button, and for movement the wheel is there. Clear? Then next is light pen. Light pen somewhere looks like this. It second name is stylus. जो स्मार्ट बोर्ड्स पे फॉर राइटिंग फॉर टाइपिंग यू कैन से फॉर द मूवमेंट इन ऑन द स्मार्ट बोर्ड दीज लाइट पेन आर यूज अ लाइट सेंसिटिव स्टाइलस इज अटैच टू अ वीडियो टर्मिनल टू ड्रॉ और राइट समथिंग देयर देन कम्स टच स्क्रीन टच स्क्रीन आप हमारे स्मार्टफोन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विद द हेल्प ऑफ टच वी ऑपरेट आर मोबाइल फोन्स These devices allows interacting with computer without any intermediate device. हमें कोई stylus नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए Our touch works for that. Okay? That is also input device. Then graphic tablets. अब tabs होते हैं means a short, a smaller version of laptop you can say or an extended version of your mobile phone. That is also an input device. On the tablet we work through a stylus. जैसे स्मार्टफोन में हम स्टाइलस यूज़ करते हैं इन द सेम वे इन ग्राफिक टैबलेट्स वी यूज स्टाइलस नेक्स्ट इज जॉयस्टिक दिस इज द जॉयस्टिक बॉयज़ को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स मैक्सिमम टाइम वी यूज जॉयस्टिक इट्स एन इनपुट डिवाइस क्योंकि इसको जब आगे प्रेस करते हैं तो इट मीन्स फॉर द मूवमेंट अप डाउन बैक फॉरवर्ड लाइट लेफ्ट इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन दिस हैंडल ओके दिस हैंडल मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन जॉयस्टिक आर ऑफन यूज टू कंट्रोल द इनपुट्स इन वीडियो गेम्स ओके नेक्स्ट इज माइक्रोफोन इट इज अनदर इनपुट डिवाइस विच इनपुट आर वॉइस फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्पीकिंग आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन फॉर इनपुटिंग माई वॉइस in the video okay they are mainly used for sound recording next is OCR optical character reader means it's a device which is used to read the characters hum iske andar koi bhi cheez dale that will read the characters written koi bhi cheez means koi written page dale it will read the characters it convert images of text into machine editable text fine it is widely used to convert books and documents into electronic files kisi bhi ek puri proper printed page ko isme dale
व्हाट विल बी द रिजल्ट, स्क्रीन पे उसकी टाइप्ड फॉर्म, उसकी डिजिटल फॉर्म एंड एडिटेबल टेक्स्ट विल बी अपियरिंग, दैट इज ओसीआर। देन कम्स स्कैनर, दिस इज द फोटो ऑफ स्कैनर, मीन्स वट एवर वी पुट हेयर एंड स्टार्ट दिस मशीन, दैट कम्प्लीट पेज या दैट फोटो और वट एवर यू हैव पुट, दैट विल अपियर इन योर सिस्टम इन अ डिजिटल फॉर्म। मीन्स उस पेज को या उस फोटो को स्कैन कर दिया है एंड दैट इज कन्वर्टेड टू डिजिटल इमेज और डिजिटल पेज। ओके, दैट इज इट, दैट्स वाई इट्स अ इनपुट डिवाइस, इट स्कैन्स इमेजेस और प्रिंटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट दैम इन टू डिजिटल फॉर्म। देन कम्स स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे ATM मशीन्स होती हैं, दैट्स अ स्मार्ट कार्ड रीडर मशीन, एक्सेस द उसके अंदर हमारी ATM कार्ड्स में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, मेमोरी कार्ड या माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स कंटेन ओनली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कॉम्पोनेंट एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक्स। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कंटेन वॉलेटाइल मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट। द कार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जनरली PVC प्लास्टिक, जो आसानी से टूटता नहीं है। स्मार्ट कार्ड आर यूज इन लार्ज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। मीन्स स्मार्ट कार्ड अब हम ATM मशीन में ATM इंसर्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर गिविंग इनपुट ऑफ आर ATM डिटेल्स टू द ATM मशीन। गॉट इट? देन कम्स बारकोड रीडर, दिस इज द डायग्राम ऑफ बार कोड स्कैनर, दीज आर बार कोड्स एंड दिस इज अ डिवाइस यूज टू रीड इट। जैसे हम इस मशीन को इन बार कोड्स के ऊपर लाते हैं, इट विल रीड दो स्कैनर्स एंड शो अ पर्टिकुलर नंबर ऑन द स्क्रीन। दिस डिवाइस रीड द बार एज इनपुट डाटा, इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स। जैसे हम उसको स्कैन करते हैं ना, इट रिफ्लेक्ट्स अ लाइट सेंसर इज देयर which helps it in reading it. Okay, next is biometric sensor. In nowadays we all must have seen this type of device somewhere in the bank, at the doors, at the gate of any organization or any factory, or in school colleges also these are in trend. It's a biometric device. It recognizes individual based on physical behavioral traits. मीन्स उसके एवरी ह्यूमन बींग हैव डिफरेंट थंब इम्प्रेशन और फिंगर इम्प्रेशंस। तो दीज मशीन्स आर यूज टू रीड द फिजिकल और बिहेवियरल ह्यूमन ट्रेट्स। कोई मशीन आइज को स्कैन करती है, कोई फिंगर प्रिंट्स को स्कैन करती है, ओके, कुछ वॉइस को स्कैन करते हैं। ऑल द थिंग्स कम्स अंडर बायोमेट्रिक सेंसर्स, तो दीज आर इनपुट डिवाइसेस। देन नेक्स्ट इज वेब कैमरा, दिस कैप्चर्स वीडियो एज डेटा। मीन्स ये क्या करता है, जैसे मोबाइल से फोटो लेते हैं, दैट्स अ कैमरा, फोटो ली तो दैट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, कैमरा इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, फाइन। तो दिस कैप्चर वेब कैमरा कैप्चर्स वीडियो एज डेटा फॉर कंप्यूटर विद रीजनेबली गुड क्वालिटी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज CPU, फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली इट्स द मेन डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, इट्स द डिवाइस विच प्रोसेस आर डाटा। देर इज ओनली वन प्रोसेसिंग डिवाइस इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दिस CPU, फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, देन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, नेक्स्ट इज MU, दैट इज मेमोरी यूनिट। वन बाय वन विल गो थ्रू देम ऑल। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, इट्स द यूनिट विच कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। इट डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ तीन या चार काम कर रही हूँ। At one side printouts are going on, side by side I am painting, side by side music is played. तो तीन या चार काम एक टाइम पे हो रहे हैं, तो इट्स CPU's responsibility to handle all the work to be performed perfectly. Got it?
नेक्स्ट इज ALU, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट ऑफ CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैथमेटिकल और यू कैन से अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर. हेयर दिस डार्क लाइन शोज द डेटा फ्लो, मीन्स हाउ द डेटा इज मूविंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम. विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. थ्रू इनपुट डिवाइस वी हैव गिवन द डेटा टू द CPU. डेटा गोज हेयर, देन CPU सेंड इट टू ALU फॉर कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग वर्क. एंड साइड बाय साइड द सेम डेटा इज गोइंग टू मेमोरी डिवाइसेस फॉर सेविंग. आफ्टर दैट फाइनली डेटा गोज टू आउटपुट डिवाइस. ओके, दिस डॉटेड लाइन आर कंट्रोल सिग्नल्स. हेयर यू कैन सी दिस CPU इज कंट्रोलिंग इनपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, ALU एंड आउटपुट डिवाइस. मीन्स दिस CPU इज द ओनली यूनिट विच कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग. नाउ मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट इज जस्ट लाइक आर ह्यूमन ब्रेन. लाइक वी कीप समथिंग रिमेम्बर्ड इन आर ब्रेन एंड वेन एवर वी नीड हम उसे याद करके उसे यूज करते हैं. इन द सेम वे द डाटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, वट एवर वी गिव टू द कंप्यूटर और वट एवर द प्रोसेसिंग इज डन बाय द कंप्यूटर, दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर. एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, इट इज प्रोवाइडेड टू अस. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी. फर्स्ट इज कैशी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी. एंड देन थर्ड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. फर्स्ट इज कैशी मेमोरी. कैशी मेमोरी यू कैन से इट्स द एक्टिव मोस्ट मेमोरी. सबसे पहले जो मेमोरी काम करना शुरू करती है दैट इज एक्टिव मेमोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर वी डू, वट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन इन द कंप्यूटर, दैट इज बींग डन इन द कैशी मेमोरी. ओके, इट्स अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमरी विच कैन स्पीड अप द CPU. इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमरी. जब हम डाटा को स्टोर कर देते हैं देन दैट डाटा गोज टू द मेन मेमरी एंड बिफोर सेविंग दैट डाटा इज विद द कैशी मेमरी. ओके, दैट्स वाई हमें कैशी मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए सिस्टम की स्पीड. अगर तेज़ CPU की स्पीड आपको तेज़ चाहिए, इट मीन्स कैशी मेमोरी मस्ट बी ऑफ हाई स्टोरेज. ओके, देयर आर द सम एडवांटेजेस. कैशी मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी. इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी. इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इट स्टोर्स फॉर द टेम्परेरी पर्पज. Some disadvantages are also there. It is of limited capacity and it's very expensive. Okay, we can increase the size of hard disk or secondary storage devices, but there is a limit for the cache memory in the system. नेक्स्ट मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. दिस प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डाटा, योर प्रोग्राम्स, योर इनपुट्स, योर आउटपुट्स, वट एवर इज गोइंग ऑन देयर इन द कंप्यूटर, दैट इज होल्डेड बाय द प्राइमरी मेमोरी. इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट वेन एवर इट इज वेन एवर पावर इज स्विच्ड ऑफ और सिस्टम फेलियर इज देयर. ओके, इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, रैम एंड रोम. विल डिटेल इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी. इट इज semiconductor memories, it's a volatile memory, means that can be lost, and it's the active memory, and it's the faster than secondary memory. All these are the characteristics of this memory. Now let's come to primary two parts of primary memory, RAM and ROM. Let's take them one by one. RAM stands for random access memory. Okay, it's the memory which stores the active data, and if the light goes off the data is lost. It stores our data temporarily, not permanently, and if any system failure or your electricity failure, any happens, then data is lost here. We can read, we can write, we can edit here in this memory.
Now let's talk about ROM. It stands for read only memory. It saves our data permanently. Here we can read the data, we cannot write, means we can not edit the data. Got it? And if the light goes off or system failure, nothing happens to your file. After saving, if you have saved the file is with ROM. I think both are clear. Here I have differentiated them. RAM stands for random access memory. ROM stands for read only memory. RAM is a volatile memory, or you can say it's a temporary memory. Means if power failure is there, then data will be lost here. For ROM, you can say it's a non-volatile memory, or you can say it's a permanent memory. If power failure is there, data is safe. No problem with the data will be there. In RAM, the memory from which we can read as well as write. We can edit our data also here. But here, we can only read our data. Naam se clear, read only. Fine, we can only read, we cannot edit. Here, RAM size is small. In physical terms also, or in the amount of data it is holding also. ROM is bigger in both terms, physically and amount of data holding. Here, before, if we are not saved our file, then that is with RAM. And if we save our file, then after saving that goes to ROM. I think now RAM and ROM both are clear. Last memory is secondary memory. Secondary memory means jiska number second number pe aata hai, primary ke baad. The type of memory also known as external memory or non-volatile memory. Means that memory which we provide from the outer sources, not in the computer, like aapke pen drives, aapke chip, aapke memory card, hard disk, external hard drives, all those come under this category. They are used to store data information permanently, and through these mediums we can increase the storage of the system. Characteristics: they are magnetic and optical memories. They are used for the backing up of memory. They are non-volatile memory. They store our data permanently. Okay, and it is used for storing data of the computer. And computer may run without the secondary memory. Agar pen drive nahi bhi lagi hai system mein, even then it can work very easily, slower than primary memory. Obviously the main thing, because hum ye memory hum bahar se provide kar rahe hain system ko, that's why system will work slowly on these devices as compared to the primary memory. Now, unit of memory. Like for buying something from the market, fruits or vegetables, the unit we use is kilograms. For milk we use liter. In the same way, computer memory also have some units. The smallest unit of memory is bit. It is represented with small b. Okay, that is represented with small b. A group of 4 bits is equal to nibble. Clear hai? Then group of 8 bits is equal to 1 byte. Byte is represented with capital B, like here. Got it? Bit is represented with small b and byte is represented with capital B. Bit is the smallest unit of memory and byte is the standard unit of memory. Got it? 1 byte is the minimum space required to store any character in computer's memory. Here, 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. After kilobyte, megabyte is there, that consists of 1024 kilobytes. Next is 1 GB, jisko aap GB bolte hain, that is gigabyte. That consists of 1024 megabyte. Then 1 TB, terabyte, that consists of 1024 GB. Next is 1 petabyte, that consists of 1024 TB. In the market, now the latest trend is of TB.
More units have come in the market, but we will learn till here only for now. Next is output device. We have just read about the input devices through which we give input to the computer. Now here, after inputting, processing is done, that is done by CPU, and after processing, the result is given to the user. That result is provided with the help of output devices. So what is output device? Those devices through which we get the output, they are called output devices. For example, monitor or video means जो आपके screens होते हैं like this, they are the most common output devices. हम कोई painting कर रहे हैं that we can see on monitor, any video is playing, then we can see that on monitor. Next output device is speaker. These are used to listen to audio. Suppose I have played a song, so from where I'll be getting the voice of the song? Obviously from the speakers. Sound is coming as output from the speaker. That's why speaker is an output device. Next is printer. Suppose I have typed a letter on computer and I want the printout of that letter on paper. For that I need to print that letter. Fine. So we will get result of printing from the printer. We are getting output from the printer. That's why printer is also a output device. Many types of printers are there. Dot matrix printer. These print characters by striking on ink soaked ribbon. Means here a ribbon which is soaked in ink, that is there, or a ring hai jispe characters छपे हुए होते हैं, that strike the ribbon and characters are printed on the paper. That's why it is called dot matrix printer. Next is inkjet, deskjet or bubble jet printer. They are the lower cost printer whose use a control of stream of ink for printing. ये जैसे spray painting करते हैं हम, like that the spray is done here. That's why इनका नाम inkjet रखा गया. Now latest technology is laser printer. These printer use laser technology for printing. They are very fast, of very high quality and obviously low cost. Got it? Last one is plotter. They are used to print the graphics. जो graphics वो print करते हैं, these are the plotters. Like flexes, बड़े बड़े flexes print होते हैं, they are done through the AutoCAD जो courses होते हैं, उनमें they taught us to use the plotters. It is used mainly in the AutoCAD courses. Now next is data deletion and its recovery related to security concern. Data delete, पहला question होता है कि data delete क्यों होता है? There may be many reasons. नंबर वन, डिलीटिंग फाइल्स एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक हो जाए, वायरस अटैक हो जाए, मैकेनिकल मेरी सिस्टम की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ओके, पावर फेलियर, ऑटोमेटिकली पावर फेलियर इज देयर एंड सिस्टम हैज क्रैश्ड, सिस्टम चोरी हो गया, पानी गिर गया सिस्टम पे, एनी अदर एक्सीडेंट, फायर, एक्सप्लोजन्स, ऑल दोज कैन बी द रीजन ऑफ डेटा डिलीशन. ओके, the information remaining on the storage can be recovered to a safe location. Means if on the memory unit of system any information is there, that can be recovered very easily through many softwares. Commonly data recovery process is based on storage scan. Means storage mein jo data ho, hamari C drive mein, D drive mein jo bhi data pada hoga, through scanning the data recovery can be done, which serves to find out specific informations. Okay, studies show hardware failure and human error are the two most common causes of data loss. Means ya to we does a mistake or the hardware failure, ye hamare by mistake ho jata hai, and this hum sab ka is pe koi bas nahi hai. Hardware failure can be accidentally, it can happen with anyone. Another cause of data loss is natural disaster. Got it? ये कुछ वो चीज़ें हैं जिसपे किसी का बस नहीं है. Fine. How to prevent data deletion? कैसे रोकें? Stop using external hard disk. Means
किसी की बाहर की पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी, नथिंग यूज विदाउट स्कैनिंग मेन चीज़। अब समटाइम्स वी हैव टू यूज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन देम। इंस्टॉल अ रिकवरी टूल इन योर कंप्यूटर, देयर आर मैनी रिकवरी सॉफ्टवेयर्स राइट नाउ अ डेज इन द मार्केट। यू कैन इंस्टॉल एनी रिकवरी टूल सो दैट एनी ऑफ द डिलीटेड फाइल कैन बी रिकवर्ड बैक। स्कैन द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एज आई प्रीवियसली सैड, एवरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बिफोर अटैचिंग इट दैट टू योर सिस्टम दैट मस्ट बी स्कैंड। सेव योर डाटा टू अ सिक्योर लोकेशन, वी मस्ट सेव आर डाटा टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। वेन यू फर्स्ट डिलीट अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, ऑब्वियसली रिसाइकल बिन यूज वी ऑल नो, वेन एवर वी डिलीट एनी फाइल दैट गोज टू रिसाइकल बिन, एंड फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ वी अगेन डिलीट दैट ओनली देन दैट विल बी डिलीटेड परमानेंटली, एंड इफ वी वॉन्ट बैक वी कैन रिस्टोर फ्रॉम देयर। ओके, तो रिसाइकल बिन का कोई इशू नहीं है, वी कैन गेट बैक फ्रॉम देयर ऑल्सो इफ द सेटिंग्स आर नॉट चेंज्ड। ओके, नाउ सॉफ्टवेयर एंड पर्पज एंड इट्स टाइप्स। नाउ वट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर मीन्स ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स सपोज आई विल से यस यू कम हेयर, ब्रिंग वन पेन, ब्रिंग योर नोटबुक, सिट डाउन, मीन्स आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू एंड अ स्टूडेंट इज फॉलोइंग दैट। गॉट इट? तो सेम वे वी गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर वर्किंग, एंड दोज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। ओके, ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम। देन अ सेट ऑफ सच प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर। ओके, बेसिकली वट इज सॉफ्टवेयर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। एवरी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर सिस्टम खरीद के लाते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर दैट हार्डवेयर इज ओनली अ प्लास्टिक का डब्बा, नथिंग एल्स। इन दैट हार्डवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, द मेन सॉफ्टवेयर। ओके, आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड। इफ योर हार्डवेयर इज विद ऑपरेटिंग सिस्टम बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर, देन वी कॉन्ट यूज द सिस्टम एज मच वी कैन, वी कैन नॉट यूज। ओके, एंड आफ्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर यूज इज द सॉफ्टवेयर। नाउ वट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बिकॉज सॉफ्टवेयर है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, विच कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ योर सिस्टम। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट, टू कंट्रोल, टू एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इट्सेल्फ। मीन्स नाम से क्लियर है, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ योर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉट इट? सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। सपोज आई हैव माई कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम द यूजर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एज द इंटरफेस। हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवा रहा है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। गॉट इट? नाउ फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, इट इज क्लोज टू द सिस्टम, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज लेस इंटरेक्टिव। लेस इंटरेक्टिव मीन्स यूजर कैन नॉट वर्क ऑन इट, अ नॉर्मल यूजर, मीन्स बिकॉज यूजर वर्क ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो बैक एंड पे चलता है, दैट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। फाइन? एंड इट्स स्मॉलर इन साइज, difficult to manipulate, and it is specially written in low level language. For example, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, this is a system software. Next is application software.
application to apply means it's a software, it's a set of programs which satisfy a particular need for a particular environment. Means वो सॉफ्टवेयर दैट डज अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक खास काम करता हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ देन विच सॉफ्टवेयर आई यूज, ऑब्वियसली एम एस पेंट. इफ आई वॉन्ट टू मेक अ प्रेजेंटेशन देन विच सॉफ्टवेयर आई यूज, एम एस पावर पॉइंट. इफ आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर देन वट आई यूज, एम एस वर्ड. येस, दीज ऑल आर application software. All the application software have a specific function. Har ek application software ek alag kaam karta hai. Okay, these may consist of single program such as Microsoft Notepad for writing. All this I have already detailed. Got it? Now features, they are closer to the user. System software mein humne padha, they are not closer to the user. Maine pehle hi bataya, because system software hame हेल्प करते हैं हमारी स्मूथ फंक्शनिंग में, बिकॉज यूजर वर्क ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली. दैट्स वाई दे आर क्लोजर टू द यूजर, वेरी इजी टू डिजाइन, मोर इंटरेक्टिव, स्लो इन स्पीड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैन्युपुलेट एंड जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, और जिस चीज पे यूजर ने डायरेक्ट काम करना है दैट मस्ट बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल. ओके, नाउ जेनरिक एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर. जेनरिक या यू कैन ऑल्सो से जनरल पर्पस. गॉट इट? नाम से ही क्लियर है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. दो सॉफ्टवेयर विच जनरली वी कैन यूज, एक जनरल आम आदमी भी उसे यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल पेंट, पावर पॉइंट, एम एस वर्ड. ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी जॉब में नहीं हूं तो आई कांट यूज देम. Easily I can use. So those applications which has been designed to solve users' common task, general task jin applications mein hote hain, they are called general purpose software. Okay? They are created for general use. No such specific skills are required for using them, and they are cost effective, not that much expensive they are. Clear? नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर. वे नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है. दीज आर दो सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, कुछ खास काम के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल पेरोल सॉफ्टवेयर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी बनानी है उसके एम्प्लॉयज की, तो एक आम आदमी को सैलरी बनानी नहीं आएगी, एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू यूज दिस सॉफ्टवेयर इजिली. फाइन, ERP मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, टैक्स सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर डूइंग सम स्पेशल पर्पस विच आर नॉट फॉर द जनरल ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, और यू कैन ऑल्सो से कॉल देम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर. बेनिफिट्स इनके, they are tailor made exclusive for your business, kisi particular business field ke liye they are prepared, highly skilled, able and secured, they are cost effective, they can automate manual operation with easy enterprise software integration, help us realize highest business efficiency, reduce cost and increase profits. I think difference between the two is clear. General purpose are used by the general public for general uses. Any person can use them. No skills are required for them. Fine? Not specific learning required for them. But for specific purpose software, special skills are required to learn them, to operate them, and they are used by organizations for the specific post. Okay? That's it for now. Go through the PPT and solve the assessment. Thank you.